अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे देखने और जाने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। करंट न्यूज़ है टिकटॉक के बारे में। भाई टिकटॉक बैन हो गई है, वो क्यों बैन हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, हुकूमत का उस एप्लीकेशन को बंद करने का क्या मकसद था और उन्होंने क्यों बंद की है? या जिस मुल्क ने भी इसे लॉन्च किया है, ठीक है, उस मुल्क में तो बेहयाई हो रही है, ठीक है, उसमें तो हो रही है पहले से ही, लेकिन पाकिस्तान में जब से ये एप्लीकेशन बनी है ना, उसके बाद से इतनी ज़्यादा फांसी बढ़ी है कि आपकी सोच है। अब आप सब इस एप्लीकेशन के बारे में जानते होंगे और कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, और कुछ कुछ यानी कि 1% पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, बाकी जितना भी है या तो लोग फांसी में लगे हुए हैं या गाने वगैरह इस चीज़। देखो हमारे जो टिकटॉक के अंदर ये जो इन्होंने वो डाली है ना चीज़ें, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप होते हैं 15 15 मतलब सेकंड के, 30 30 सेकंड के, उनके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ कि हमारे जो मौलाना हजरात हैं या जितने भी लोगों ने उनकी तकरीर की छोटी छोटी क्लिप उठा के उन्होंने मजाहिया तौर पर पेश कर दी। यानी कि अब जहाँ भी कोई आलम दीन तकरीर कर रहा था या कोई भी स्पीच कर रहा था किसी भी मामले में, तो उन्होंने उनकी वीडियो उनके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप उठा के उन्होंने वो बनाना शुरू कर दी कि ये भाई उनका मजाक हो रहा है। यार एक तो ये इस्लाम के मतलब मजाक उड़ा रहे थे इस टिकटॉक की एप्लीकेशन के ऊपर, दूसरा इसके ऊपर बेहयाई की इंतहा ये होगी कि जो मतलब है कि लड़कियां थी पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने ये देखा कि इसके ऊपर व्यूज़ तो हमें मिल नहीं रहे, लाइक मिल नहीं रहे। अभी किसी एक मतलब लड़की ने कोई ऐसी अपनी गंदी तस्वीरें गंदी वीडियोस अपलोड की तो लोगों ने उसको मतलब, आपको पता है कि लोग ऐसी चीज़ों को ना मतलब ठरक को पूरा करते हैं और बस मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, बेहयाई है ना। तो लाइक करते करते उस एक वीडियो पे लाइक ज़्यादा आ गए, उस लाइक ज़्यादा आने की वजह से जब दूसरी लड़कियों ने देखा कि यार इसके ऊपर लाइक तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ट्राई करें, हम भी ये बकवासबाजी करें। तो उन्होंने ये ऐसा किया, लाइक मिल रहे हैं उनको, इस वजह से लाइक बढ़ने की वजह से फिर दूसरी लड़कियों ने भी ऐसा मतलब स्टेप उठाया कि हम भी इस तरह करती हैं। अच्छा कुछ लोगों के इतराजात ये आ रहे हैं कि भाई इमरान खान ने आपने तो ये टिकटॉक बंद कर दी, अब हम कमाएं कहाँ से, या तो आप इस तरह करो नौकरियाँ निकालो ताकि हम नौकरियाँ करें और ये टिकटॉक छोड़ दें। भाई नौकरियाँ करने के और भी जराए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और भी मतलब बहुत ज़्यादा काम है नौकरी करने के, या बहुत ज़्यादा ऐसे जॉब्स हैं जो बंदा काम करके घर चला सकता है। घर चलाने के लिए आपका ये फांसी का अड्डा, ये मुजरा, ये नाच गाने, ये कंजर खाना, ये आपको वो था चाहिए था कि यही ओपन रहे। अच्छा इसके बाद अब और देखो, अब इसके बाद एक और देखो कि एक वीडियो लीक हुई है, वो पता नहीं कौन थी कहाँ की थी, उसके माँ बाप पत्नी क्या सोच रहे होंगे कि हमने बेटी को इसलिए पाला था कि ये दिन हमें दिखाए। अब इसने ये कहीं गई हुई थी मतलब कोई पहाड़ इलाके के अंदर, हिली एरियाज के अंदर ये गई हुई थी टिकटॉक बनाने, पता नहीं इसके साथ इसका कोई बॉयफ्रेंड था, पता नहीं कौन था, कोई पता नहीं। अब ये वहाँ जाके वीडियो बनाते बनाते तो इन्होंने इसने क्या किया, इसने डाखाने के अंदर ख़त डलवाना शुरू कर दिया। तो ये अच्छा नौजवान नस्ल तो इसके अंदर धंसती चली गई, वो तो मतलब धंस चुकी थी टिकटॉक के अंदर। अब यार इस एज के लोगों को देखो कि ये क्या कर रहे हैं यार, इनका ये अक्ल दंग रह जाती है कि यार इस एज के अंदर बंदा आके ये हरकतें करे, इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी हो और वो बंदा टिकटॉक के ऊपर आके उस दाढ़ी की तुहीन करवाए, ठीक है, घर के अंदर मतलब फनी वीडियोस बनाए, इलाके के अंदर अपने आप को जलील करे, वो सोच रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो भाई तुमने तुमने क्या किया है, तुमने दाढ़ी की तुहीन की है। तुम टिकटॉक को बंद करने की मेन जो वजह थी, जो मेन मसला था इस चीज़ का, वो यही था कि तमाम उलमा कराम, ठीक है, और तमाम सियासतदान जितने भी थे उन सब की हुई है बैठक, ठीक है, उन्होंने ये मशवरा किया कि इस फहाशी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन ये टिकटॉक के अंदर काफ़ी मतलब यूज़र हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन को,
और गंदी फाशी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आवाम को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। यार ऐसे माँ बाप के ऊपर बहुत हैरानगी होती है कि जिनके बच्चे इस तरह की गंदी हरकतें करें वीडियोज़ के ऊपर आके और इस तरह की फाशी फैलाएं, और माँ बाप के सामने अगर वो वीडियो आती भी है कभी तो उन्होंने पता नहीं रोका भी है या नहीं रोका उनको। यार एक तरबियत होती है, एक इंसान के अंदर कोई हया होती है, शर्म होती है। अभी कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जो जैसा कि लाइकी होगी, बीगो लाइव हो गई। मेरी हुकूमत से ये मुतालबा है, मेरा हुकूमत से कि ये जो बीगो लाइव है ना और ये लाइकी है, इसको भी परमानेंट बंद करें पाकिस्तान के अंदर। बहुत अच्छा हुआ है, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तो बाग बहा रहा हूँ पिछले 2 दिन से, बहुत ज़्यादा कसम से। व्यूअर्स बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उतना करो जितने का तुम हिसाब दे सको ऊपर जाके, ठीक है ना। उतना करो या उतना खाओ जितने का तुम ऊपर हिसाब दे सको, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा आपसे, ज़्यादा चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। अपने नौमी बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।